फर्रुखाबाद के राजापुर ब्लॉक के एक स्कूल की लाचार व्यवस्था देखने को मिली है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधक समय से विद्यालय नहीं खोलते हैं, जिसके चलते बच्चों को शिक्षा से मोहताज होना पड़ रहा है। कितने घंटे होती है? हमेशा बड़े मील में क्या क्या खिलाया जाता है आप लोगों को? खाने में आप लोगों को क्या मिलता है? बस और कुछ नहीं मिलता है? केला मिलता है। और कुछ नहीं मिलता है? दूध मिलता है कि नहीं मिलता है? दूध मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक। स्कूल खुलने का समय यही है? खेल को सामग्री तुमको मिली कि नहीं मिली है? इसमें के अध्यापक हैं? कितने अध्यापक होंगे इसमें? तीन है चार है? चार अध्यापक हैं। स्कूल का दरवाज़ा भी टूटा मिला, यहाँ भी टूटी मिल रही हैं। वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। नौज में आज 2:40 पर टाटा छपरा ट्रेन से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जहां पर मृतक का नाम अखिलेश पाल पुत्र राधे पाल फतेहपुर भट्टा का निवासी है। थाना गुड़साहगंज अखिलेश कन्नौज आधार कार्ड पर बनवाने के लिए गया था। मैं पटरी क्रॉस कर रहा था कि अचानक ट्रेन आ गई, अखिलेश की मौके पर मौत हो गई। क्या नाम है आपका? विक्रम। कहाँ रहने वाले? थाना कौन सा लगता? हादसा कैसे हुआ? लाइन किरा कर। कितने टाइम? टाटा छपरा हुआ। अच्छा, क्या नाम है इसका? अखिलेश पाल। यहाँ क्या करने आया था? आधार कार्ड बनवाना बैंक में। जी, तो क्रॉस करते समय हादसा हो गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजय तिवारी की रिपोर्ट, कन्नौज। मोना जनपद के सर्किट हाउस में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर इंजीनियर मोहम्मद सुल्तान अहमद, अधीक्षण अभियंता अमिका प्रसाद बिलदार के सेवानिवृत्त प्रांत श्रमिक संघ एवं राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बकेवर कस्बा में जो कि विद्यालय खुलते ही मनचले कॉलेज के आसपास दिखाई देने लगते हैं। एंटी रोमियो अभियान चलाकर ऐसे लोगों को खदेड़ा गया। एंटी रोमियो प्रभारी द्वारा ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा कॉलेज के आसपास दिखाई न दे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा बकेवर में जो कि विद्यालय खुलते ही सुबह व छुट्टी के समय मनचले वहीं दुकानों के बाहर तो कहीं कॉलेजों के भीतर घुसने का प्रयास करते हैं। ऐसे लड़कों को एंटी रोमियो क्वार्ट प्रभारी तथा महिला कांस्टेबल द्वारा हिदायत दी गई कि यहां पर दोबारा दिखाई न दे। गुंडागर्दी दिखाई दिए तो फिर उठा करके एक्शन किया दिया जाएगा। छात्राओं को बताया कि अगर कोई भी लड़का आपको परेशान करे तो उसे तो मुझे या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना अवश्य दें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक राजपूत की रिपोर्ट, इटावा। महवा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम करबा बुजुर्ग में प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों ने रैली निकाली, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। मीना मंच के द्वारा बच्चों ने एक नाटक का प्रस्तुत भी किया। एक नाटक को भी प्रस्तुत किया जिसमें संचारी रोग के लक्षण बच्चों ने बताया तथा उनसे होने वाली हानियां भी बताई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक राजपूत की रिपोर्ट, इटावा। इटावा के महवा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम किरतपुर में प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल जो कि विद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह सुबह आते हैं, लेकिन विद्यालय के शिक्षक नौनिहालों के हाथों में झाड़ू थमाकर कहते हैं कि पहले विद्यालय की सफाई करो, उसके बाद पढ़ाई होगी। वहीं सफाई कर्मचारी घर के आसपास सफाई करता है, जबकि पहले प्राथमिक विद्यालय की सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी का उस पर कोई ध्यान नहीं। जब मीडिया टीम द्वारा बच्चों को झाड़ू लगाते हुए वीडियो बनाया गया तो प्रधानाचार्य ने धमकी देते हुए अपना नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा कि नौनिहालों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू पकड़ाती रहेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक राजपूत की रिपोर्ट, इटावा।
पीलीभीत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर के आदेश पर एंटी रोमियो दस्ता सक्रिय हुआ, जहां पर स्कूल कॉलेज आदि स्थान चेक किए गए। पीलीभीत में पथाना बिसरपुरवा थाना न्यूडिया आदि के तमाम इंटर कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर सक्रिय चेकिंग अभियान करती एंटी रोमियो की टीम नजर आई। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत। हमीरपुर में 5 हत्याओं के आरोपी। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल और डबरू सिंह को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि सामूहिक हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं दोनों आरोपी, जो कि 21 साल पहले हुई थी। 5 लोगों की हत्या के आरोप में सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी। जब जनपद हमीरपुर में 1 जून को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई कमियां तो नहीं पाई गई, लेकिन शिकायतों के आधार पर शासन के आदेश के अनुसार मुजरिम अशोक सिंह चंदेल पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर और डब्लू सिंह को राज्य के अलग अलग जेलों में हमीरपुर से स्थानांतरण किया गया। दूसरी जेलों पर क्या था पूरा बताया था? शासन के आदेश में यहाँ से 2 मुजरिम अशोक चंदेल को जो है वहाँ आगरा सेंट्रल जेल और एक डब्लू सिंह पूर्व पाशतोस करके हैं, इनको जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। जो आदेश था उसी का अनुपालन में आज इन्हें भेज दिया गया। सर, किन मुकदमों में सजा आपता है सर? ये मुकदमे इसमें साल पहले मर्डर। टीवन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित की रिपोर्ट, बुंदेलखंड। बस्ती में दबंगों द्वारा अवैध तरीके से जेसीबी लगाकर मिट्टी खोदी जा रही है, जिसके चलते मोटी रकम माफिया कमा रहे हैं। आपको बता दें कि जेसीबी मशीन से जबरदस्त खुदाई चल रही है। खुदाई से जो मिट्टी निकलती है उसे जेसीबी वाले जरूरतमंदों को बेचकर मोटा रकम कमा रहे हैं। ताल ताल की खुदाई इस तरह से हो रही है मानो तो यह ताल समुंदर बनना है। मिट्टी निकाल कर तालाब को इतना गहरा कर दिया है कि आने वाले समय में तमाम ऐसी तरीके की घटनाएं घटित होंगी। दबंग और माफिया अपने रसूल के बल पर जबरदस्ती मिट्टी की खदान कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जा रही। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए दिवाकर शर्मा की रिपोर्ट, बस्ती।